हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी हार्ड। ऐसा कि आप जानते हैं, ऑलरेडी हमने साइंस कवर करना स्टार्ट कर दिया है, तो दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गए थे, तो मैंने सोचा उसका टेस्ट सीरीज लेके आता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये साइंस की टेस्ट सीरीज है, इसमें वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक दो वीडियो में पढ़ाए हैं, और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पर साइंस पूछी जाती है। और इन क्वेश्चंस के साथ आपका कॉन्सेप्ट भी एक बार क्लियर हो जाएगा और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जिन लोगों ने मेरे दो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लें चैनल पे। तो क्वेश्चन नंबर वन, निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्वीय, विभव। ठीक है, इनमें से कौन सी सदिश राशियां हैं? तो सदिश राशियां मैंने क्या बताया था, जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसको सदिश राशि बोलते हैं। तो इसमें केवल आवेग ही है जो एक सदिश राशि है, बाकी जो है इसमें दाब सदिश राशि नहीं है, तापमान सदिश राशि नहीं है, गुरुत्वीय वो भी सदिश राशि नहीं है। तो ये केवल आपका जो है ऑप्शन बी है वो सही होगा, केवल आवेग। आवेग, वेग, संवेग, जिसमें वेग लगा होता है ना, सब सदिश राशियां होती हैं, याद रखना। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो पहले बता दिया मैंने, जिसमें वेग लगा हो सब सदिश राशि होगी, तो ये सदिश राशि है संवेग। ठीक है, द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाई वेग बराबर संवेग। नेक्स्ट, सूची एक में राशियां दी गई हैं और सूची दो में उनके उत्तर दिए गए हैं। तो उच्च वेग के आगे लिखा हुआ है मैक। ठीक है, मतलब उच्च वेग को मैक से नापते हैं, उसका मात्रक होता है मैक। तरंग दैर्ध्य, ठीक है, वेवलेंथ का एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल। तो फिर नीचे लिखा हुआ है कि कौन सा किस मिला को। तो उच्च वेग जो है मैक, मैक एक मैक बराबर होता है 330 मीटर प्रति सेकंड, मतलब ध्वनि की चाल एक मैक के बराबर होती है। जैसे वायुयान की चाल नापना हो गया, मिसाइल की चाल नापने, इनको जो है मैक में नापते हैं कि उनकी मैक कितनी स्पीड है। जैसे कि मान लो ब्रह्मोस का पढ़ा ना, ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, इसकी जो है चाल 3 मैक है, तो 3 मैक का मतलब हुआ 990 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 मीटर 1 सेकंड में 990 मीटर जाती है, मतलब लगभग 1 किलोमीटर। ठीक है, तो वो हो गया मैक। पास्कल पता ही आपको, दाब का मात्रक होता है। तरंग दैर्ध्य को हम जिसको एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, जूल। तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो होगा सी, 1 का ए, B का 2, C का 3 एंड D का 4। नेक्स्ट, न्यूटन के किस नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है? तो मैंने आपको तीनों नियम बताया था न्यूटन के, तीन नियम न्यूटन ने दिए थे, भौतिक विज्ञान के पिता न्यूटन। ठीक है, पहला नियम था, उन्होंने बताया था कि जब कोई वस्तु अगर सीधी रेखा में चल रही है तो वो ऐसी ही चलती रहेगी, अगर कोई वस्तु खड़ी हुई है तो ऐसी ही खड़ी रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। तो बल की परिभाषा हमें न्यूटन के प्रथम नियम से मिलती है। ओके, नेक्स्ट, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? हाँ, लंबाई नापने की सबसे छोटी इकाई फर्मी है। ओके, फर्मी याद रखना। नेक्स्ट, पारसेक इकाई है, मैंने बताया था आपको कल, पारसेक दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है। जब मैं प्रकाश वर्ष पढ़ा रहा था उस समय बताया था पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ओके, तो किसकी इकाई है? दूरी की। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है? हाँ, प्रकाश वर्ष ऐसे लग रहा है कि समय की इकाई, समय की नहीं, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, इतना दूरी नापते हैं प्रकाश वर्ष, कि प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूर जा सकता है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष होता है, हाँ, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहे, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहे, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। तो ये हुआ इसका सही आंसर, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां नापने का मात्रक है? हाँ, क्योंकि मैंने बताया ना पारसेक और प्रकाश वर्ष बहुत दूर की दूरियां नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ से सूर्य की दूरी नापनी है हमें तो प्रकाश वर्ष या पारसेक में नापते हैं। ठीक है, तो एक पारसेक होता है 3.25, यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे 3.28 होता है, आई थिंक 3.28 मीटर प्रकाश वर्ष एक पारसेक के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, फर्मी वो मात्रक है जो व्यक्त करती है
मैंने पहले बताई कि फर्मी दूरी का है, तो घुमा मैंने इसलिए रखा कि दोबारा इसलिए बता रहा हूँ, घुमा के भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा की एसआई पद्धति का मात्रक क्या है? यांत्रिक ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, उसका जो मात्रक होता है वो जूल ही होता है। ओके ये आपको घुमाने के लिए ऐसे बोल दिया गया कि यांत्रिक ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा का मात्रक जूल, बस रट्टा मार लो। नेक्स्ट, बंदूक से जब गोली निकलती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है, क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम आता है। तो न्यूटन का तृतीय नियम क्या बोलता है? न्यूटन का तृतीय नियम के हिसाब से जब कोई वस्तु, ठीक है, दो वस्तुओं के बीच में हमेशा जो है आकर्षण बल होता है, ये बताता है, और जब कोई वस्तु जो एक चीज़ पे क्रिया करती है तो उसको प्रतिक्रिया जरूर मिलती है। ओके तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है न्यूटन का तृतीय नियम। तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के बल के कारण जैसे गोली आगे निकलती है तो पीछे धक्का लगता है आपको। ओके न्यूटन का तृतीय नियम भी है। नेक्स्ट, तेल की एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? आपने सुना होगा ना कच्चे तेल के, रोज़ आप न्यूज़ में सुनते होंगे कच्चे तेल के दाम $78 पर बैरल हो गए, ठीक है, तो एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, 159 लीटर इज इक्वल टू 1 बैरल। ओके कार का मात्रक है, कार का मात्रक होता है जूल। ओके नेक्स्ट, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो ये जब मैं पर्यावरण भी पढ़ा रहा था तब भी आपको बताया था कि डेसिबल जो है क्या नापता है, ध्वनि की तीव्रता, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में नापी जाती है। जब मैं ध्वनि प्रदूषण पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था, जिन लोगों ने मेरे यूपी टेट के वीडियो देखे हैं, तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन जो है पृथ्वी ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए किया जाता है कि कितनी मोटी ओजोन परत है, ठीक है, जो समताप मंडल के ऊपरी भाग में जो ओजोन परत पाई जाती है उसकी मोटाई नापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। ओके ये इकाई है। नेक्स्ट, एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो कल ही मैंने बताया था एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं, रट्टा मार लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 746 वॉट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। क्यूसेक में क्या नापा जाता है? हाँ क्यूसेक में नापा जाता है जल का बहाव, नहीं यहाँ पे जल का बहाव होना चाहिए, गलत लिखा है, जल का बहाव, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इग्नोर इट, जल की बहाव को जो है कि उससे नापा जाता है। नेक्स्ट है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है? वायु की गति एनेमोमीटर से नापी जाती है। ओके वायु की गति एनेमोमीटर से नापी जाती है। नेक्स्ट है आपका, सॉरी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है, 100 नॉट की गति होगी, तो 100 नॉट की गति होगी 115 मील प्रति घंटा के बराबर। जो हवाई जहाज हो गए वैसे ज़्यादातर पोत होते हैं ना जो जलयान, उनकी गति नॉट में नापी जाती है, ठीक है, तो ये 100 नॉट बराबर हुआ आपका 115 के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट है, बल का मात्रक क्या है? जी हाँ बल का मात्रक है न्यूटन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो मैंने बताया था ना 7 मूल मात्रक होते हैं, तो इसमें एम्पियर करंट को नापता है ये मूल मात्रक है, मीटर दूरी का नापने का मूल मात्रक, सेकेंड समय के नापने का मूल मात्रक, तो बचा न्यूटन। न्यूटन जो है मूल मात्रक नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, चलती गाड़ी जब अचानक रुकती है तो बैठे व्यक्ति आगे की ओर झुक जाते हैं, किस कारण? तो मैंने कल ही बताया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण, जड़त्व के कारण ये होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जड़त्व के कारण। नेक्स्ट, डायनमो क्या करता है? हाँ मैंने कल बताया था जब ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही उसका ह्रास होता है, बस उसके रूप परिवर्तित होते रहते हैं, यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो उसने मैंने बताया था कि जो डायनमो होता है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बिजली बनती है इससे। नेक्स्ट, शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक है आपका वाट, ठीक है, वाट जो है शक्ति का मात्रक है,
तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते थे अगर ऐसे बनाना लोगों, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 क्लास डिटेल में पढ़ा दी है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने अभी लास्ट में बताया कि डायनमो, तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में मोटर आ जाए। देखो, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं डायनमो, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है क्या, मोटर। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ भी आ सकता है। तो जितने मैंने बताए थे सारे आप देख लो, और उसमें कॉमन सेंस यूज़ करो अपना। ठीक है, तो कल अभी थोड़ी देर बाद ही इनफैक्ट आपको मैं एक और वीडियो दे दूंगा, आज 2 हो जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल मिलेंगे आपको 3 वीडियो। बाय बाय।